एंड वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड ये आने वाला है सर्वाइवल लेट्स प्ले सीरीज का एपिसोड नंबर 6। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम जरा ये नजारा देखो, ये हमने इतना प्यारा स्टोन फार्म बनाया था। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला था, जैसे ही भाई मैं थर्ड पर्सन में गया, क्रीपर दुश्मनी है भाई क्रीपर को अपने से। ओके कोई बात नहीं, फ्यूचर में इससे बड़ा स्टोन फार्म बनाएंगे हम लोग, वो भी ऑटोमेटिक, ठीक है। बट और गाइस, आज की वीडियो से हम एक प्रथा शुरू करने वाले हैं। प्रथा मतलब ऐसे मेरे को भी नहीं पता What? मतलब एक काम करने वाले हैं हम, हर वीडियो में जैसे ही इसका अगला पार्ट आएगा अपने सब्सक्राइबर का नाम लिखेंगे ब्रो। सो सबसे पहले शॉर्ट टाइम गेमिंग एंड ओके, हर वीडियो पे इस बंदे का कमेंट आता भाई, थैंक यू सो मच। और भाई अगर आपको भी ऐसे बोर्ड पे नाम चाहिए, वैसे चाहिए ना चाहिए मैं लिखूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट जरूर करना है, तभी तो मेरे को नाम पता चलेगा ना। एन्चेंटमेंट टेबल के लिए हमें चाहिए होते हैं सबसे पहले डायमंड्स, कितने 2 डायमंड्स, और जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं। ओके वेट, नीचे वाली चेस्ट में ये देखो हमारे पास 2 डायमंड्स हैं, बट हमें ऑब्सीडियन भी चाहिए, और ऑब्सीडियन के लिए लगती है डायमंड पिकैक्स, जिसके लिए 3 डायमंड चाहिए। बट वेट, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें दिखाया था पिछली वीडियो में कि मैंने एक स्ट्रिप माइनिंग वाली गुफा बनाई है इधर को, तो मैं सबसे पहले तुम्हें नीचे जाके दिखाता हूँ। सो मैं आया था इधर की साइड ऑफलाइन, तो मैंने इधर माइन करने की कोशिश की, बट इधर ग्रेवल आ गई, क्या बोल रहा हूँ। सो इधर ग्रेवल आ गई इसलिए मैंने इधर खुदाई करना रोक दिया, और फिर इधर भाई थोड़ा सा दूर जाके मेरे को डायमंड्स मिल गए। सो अभी मैं डायमंड्स कलेक्ट करने वाला हूँ, 1, 2 और भाई 3, सिर्फ 3 ही लेने वाला हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा क्यों। सो सबसे पहले इधर ही हम लोग बना लेते हैं अपनी सबसे पहली डायमंड की पिकैक्स। यस ओके, डायमंड की पिकैक्स आ चुकी है अपने पास, कितने 2 बचे हैं इधर, ठीक है। अब इनको मैं तब तोड़ूंगा जब अपने पास फॉर्चून आ जाएगा। अब हमें चाहिए ऑब्सीडियन, और उसके लिए चाहिए होगा लावा। सो मैं सबसे पहले लावा ढूंढने वाला हूँ, उसके ऊपर पानी, पानी की बाल्टी तो मैं ऊपर ही छोड़ आया है यार। ओके सो मैं ऊपर से पानी की बाल्टी लेके आ चुका हूँ, ये देखो। और भाई ऊपर मेरे को एक ऑब्सीडियन भी मिला, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया मैं, होता है कभी कभी होता है ऐसा। सो ओके सो फाइनली भाई साहब 15 मिनट इधर उधर भटकने के बाद मेरे को ये लावा मिला है। भाई मैं दूर रहने वाला हूँ, मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ था। ओके भाई कित, अबे बाहर नहीं, बाहर नहीं, अभी आपके पास इनफ है, कितना है मेरे पास, एक मिनट में देखता हूँ। ओके 5 है, 5 ऑब्सीडियन है अपने पास, आई थिंक इतने में अपना काम बन जाएगा। और भाई ऊपर आते ही इनकी पार्टियाँ चल रही हैं इधर, मैं जा रहा हूँ भाई, बख्श तो यार। Nope. आजा ये ले भाई, अरे ये ले भाई, चेस्ट क्यों खुल रहे हैं, एक मिनट खुद ही मरेगा ये, अभी देखो आया मजा। हो चुके अभी मेरे को बनाना है भाई साहब एन्चेंटमेंट टेबल। सो इधर से मैं सबसे पहले डायमंड उठाता हूँ। नोप, मैं हमेशा ये ऊपर वाले क्यों खोलता हूँ, चल नीचे से 2 डायमंड उठाता हूँ। अपना क्राफ्टिंग टेबल इधर ही रखा है, ये देखो भाई सजा के रख रखा है। इधर इस डायमंड को, 1 डायमंड इधर, और भाई साहब ये वाला इधर आएगा। एक कुछ और भी चाहिए ना। ओके मैं अब समझ गया जिस चीज की कमी हो रही थी वो क्या है, एक्चुअली हमें एक बुक भी चाहिए होगी। ओ भाई ये क्रीपर मेरे एक्सलॉट के पास क्या कर रहे हैं, ये क्रीपर गया भाई। ओके स्केल्टन ने मेरे को एरो मारी लेकिन उसको लगा, ये क्रीपर दूर हो जाओ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मेरा एक्सलॉट अगर मरा तो मैं तेरी पूरी प्रजाति खत्म कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं।
मार, 5 हिट मारने पड़ेंगे मेरे को। ओ भाई मर गया, मेरा एक शॉट सेफ है और भाई खुशी से नाच भी रहा है। ओके सबसे पहले मेरे को थोड़ा बहुत शुगर केन चाहिए ताकि मैं बुक बना सकूं, और शुगर केन मेरे को, ओके शुगर केन मिलना इतना मुश्किल होता है क्या? और ये लावा पहले नहीं मिल सकता था तू मेरे को? ठीक है इस फाइनली मैं 3 शुगर केन्स बड़े मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, मैं बता सक नहीं सकता कितनी मुश्किल से मिले हैं 3 शुगर केन। तो सबसे पहले मैं इनके पेपर बनाने वाला हूँ, ये बना पेपर। भाई ये मत कहना कि और चाहिए। ओके बुक बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा लेदर, और लेदर आई थिंक मेरे पास पड़ा है। 8 मिनट इसके अंदर मिलेगा, यस भाई 12 लेदर है, बनाते हैं। उसके बाद अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल पे जाके हमको रखना है 1 डायमंड इधर 1 इधर, उसके बाद ऑब्सीडियन और फिर बुक। भाई बन गया अपना एन्चेंटमेंट टेबल। ओके हमें एडवांसमेंट मिल चुकी है गाइस, जिसको नहीं पता 1.17 में हमको अचीवमेंट्स भी मिलती हैं। अचीवमेंट्स ओके साइन इन नहीं है, बाद में करूँगा मैं। ओके हमने अपना एन्चेंटमेंट टेबल इधर रख दिया है, और भाई कितना प्यारा लग रहा है। सबसे पहले इसके अंदर मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स रखूँगा, प्लीज़ फॉर्चून प्लीज़। ओके एफिशिएंसी मिल रही है, इसको रख के देखते हैं, फिर भी एफिशिएंसी 1 ले लेते हैं। इस पे एफिशिएंसी 2 मिल रही है, बट इसके लिए लेवल रिक्वायरमेंट 6 की है। भैया एन्चेंटमेंट टेबल मैंने खासकर, मैं तुम्हें बताता हूँ किस लिए बनाया, ये मेरे पास जो 64 आयरन है ना, इसका मैं एक बनाने वाला हूँ ब्रांड न्यू सूट। ये देखो हेलमेट चेस्ट प्लेट, और इसको फेंक के बनाते हैं बूट्स। ओके बन गए, इसके अंदर रख देता हूँ भाई मैं ये सारा सामान। ओके पत्थर वगैरह सब इसमें, ये सामान उठा लेते हैं। अभी इसके अंदर मैं एन्चेंट करने वाला हूँ इनमें से चारों चीज़ों को, जो एन्चेंटमेंट मिलेगी वही ले लेंगे। ओके ब्लास्ट प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ये ले लेते हैं, इस पे भी प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ले लेते हैं भाई। बूट्स पे भी यही मिल रही है, सो बूट्स पे भी यही ले लेते हैं। और लास्ट अपना फाइनल ये बन गया अपना प्रोटेक्शन 1 का हेलमेट। सो हमने पूरा अपना एक आर्मर एन्चेंटेड वाला बना लिया है, अब इसको पहन लेते हैं हम। ओके ये रही लैगिंग, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर लिए। ये देखो अपने पास सब कुछ एन्चेंटेड वाला आ चुका है ब्रो। के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मैं मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, स्टे होम स्टे सेफ एंड बाय बाय।